पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम भूपेश बघेल ने 70वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया, परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने अपने पौने 5 साल की उपलब्धियां छत्तीसगढ़ी लोगों को बताई। अपने संदेश के आखिर में बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं देने का भी फैसला किया। संस्कृति, सुरक्षा, कृषि और सुगमता आदि प्रदेश के साहित्य वातावरण, साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूं। पहला, छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि के में लिखे गए साहित्य के लिए। दूसरा, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए। तीसरा, हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती खेलों में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा करता हूं। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा।